हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों हलचल मची हुई है। जहां एक तरफ शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीते काफी दिनों से एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, तो वहीं अब भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, जबकि अजित कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड गलियारे से भी कई स्टार्स ने देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र में सीएम बनने पर अपने रिएक्शंस दिए हैं। जैसे कि हर राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई। ये राजनीति के मामलों में परिपक्वता साबित करता है। किसी को अपनी पार्टी में चाणक्य की जरूरत है और संजय राउत की नहीं। इसके अलावा मशहूर कॉमेडियन अतुल खत्री ने भी ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए अपनी राय रखी है और ट्वीट कर लिखा है, इन सब से यही साबित होता है कि कांग्रेस का तो बैड लक भी खराब है। लोगों ने जहां बीजेपी को बधाई दी है, तो वहीं जावेद जाफरी ने चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं चुनाव के बाद अपना वोट बदलना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? अगर नहीं तो ये नेता चुनाव के बाद पार्टी कैसे बदल सकते हैं? बताते चले कि जहां एक तरफ बीजेपी अपने जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर शिवसेना और उसके नेताओं का जमकर मजाक उड़ रहा है। साथ ही उन पर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं।